ऐसा कोई सम्मेलन नहीं जो हमको न बुलावे। इतने जगत गुरु महात्मा वक्ता आते थे सम्मेलन में, सबको बहुत बुरा लगे, कृपालु आ रहे हैं तो हमारी कौन सुनेगा। आखिर में तमाम बड़े बड़े महात्माओं ने मीटिंग किया कि भाई इस सम्मेलन में कृपालु आवे, हम लोग नहीं जाएंगे, पब्लिक आती ही नहीं है, बबूनी की स्पीच में सब बढ़ जाते हैं, तो फिर हम भी जाने वाले। झांसी में कुंभ मेला खुला, पहले हमको 8:30 बजे का समय दिया, समय सब आते हैं दुकान वाले सुनते हैं। लोगों ने कहा कि भाई अगर आप 8:30 का समय देंगे महाराज जी को तो फिर हम लोग नहीं बोलेंगे, हम जा रहे हैं। हमारे पास आए महाराज जी, हम क्या करें बताओ, ये महात्मा है इतनी ईर्ष्या है। हमने कहा तुम 10 बजे खत्म करते हो, 10 बजे हमको दे दो, हम मनमाना बोलेंगे 12-1 तक। तो सब बाबाओं से कह दिया कि भाई महाराज जी 10 बजे बोलने को कह रहे हैं, अब तो ठीक है। कहना हाँ ठीक है, सब सो जाएंगे, अब कहा बोलेंगे। हमने कहा एक काम करो, शाम को ही साइन बोर्ड पर लिख दो कि हमारा लेक्चर रात को 10 बजे होगा। लिख दिया, अब जो आवे 8:30 बजे आए लोग भीड़। उनका भाई क्या बात है, आज महाराज जी नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं 10 बजे नहीं, चलो जी 10 बजे आएंगे। खूब मजाक किया, उनका मैदान साफ हो गया। और हमारा ये फायदा हुआ कि 8:30 बजे से 9:30 एक घंटा देते और महात्माओं को आधा घंटा। अब 10 बजे से हम 12 तक बोलने लगे, अब उधर तो किसी को बोलना है ही नहीं, 12:30 बज जा। पब्लिक को बिठाना है हमारे हाथ में। लखनऊ में झगड़ा हुआ, जबलपुर में हुआ, कई जगह हुआ, कानपुर में सम्मेलन हुआ। ये जो कराने वाले थे वो जब पढ़ते थे काशी में, तब हमको जगत गुरु की उपाधि मिली। वो शांति मेहरा कहाँ आए, कन्यासी हो गए, हमारा फोटो देखा, कह इनका नाम क्या है, जब नाम बताया जगत गुरु कृपालु जी महाराज, अरे इनको तो हम ढूंढ रहे हैं कई साल, कहीं आ रहे हैं। हमारे पैर में चोट लगी गोली पर, हम यहाँ सेक कराने आए थे। लाइट एक होती है खास, वहां के बैठ गया हूं कि आपको बोलना पड़ेगा हमारे सबसे। हमने कहा भाई देखो तेरा हाथ में चल नहीं पाता, मैं कैसे बोलूंगा। कह नहीं आपको चलने पड़ेगा। उसी समय मंजरी आ गई, वहां नई नई प्रचारिका बनी थी, तो हमने कहा इसको ले जाओ, अगर इससे अच्छा कोई बोलेगा मैं चलूंगा। आपके गई बोली, अब पंडित जी वगैरह पढ़ते,
तो रह गए चुनके, फिर भी नहीं माना हो दूसरे दिन आया, आपको तो चलनी है क्या 15 मिनट बोली। इतने सारे महात्मा और जगत गुरु इकट्ठे थे, किसी को 15 मिनट का समय दे, किसी को 20 दिन का दे। हमने कहा मैं तो 1 घंटे से कम बोलता नहीं, क्या ठीक है आपको 1 घंटे। हमने कहा कि ये दूसरे शर्त ये है कि 1 दिन पहले अनाउंस कर दो पब्लिक में हमारे कल। और तीसरी शर्त ये है कि हमारा जो टाइम हो लेक्चर का उसके पहले 5 मिनट पहले दूसरे का बंद कर दो। अगर हमने कुछ सुन लिया तो हम बिना काटे नहीं छोड़े, और फिर उसको बुरा लगेगा। सुन सब शर्त मान ली, बोले हम 1 घंटा। उनके गुरु जी भी थे सन्यासी के, वह बिगड़ गए। उन्होंने कहा क्यों रे, तो शिष्य तो हमारा है और कृपालु तेरे क्या लगते हैं जो उनको 1 घंटे दिया हमको 20 मिनट देता है बोलने के लिए। उन्होंने कहा गुरु जी बुरा न मानिए, उस 20 मिनट में भी आप किस्सा कहानी कहते हैं, इतना तेज लिखते हैं हम, कभी कभी हम ही नहीं पढ़ पाते। बोलना लिखना ये इतना फास्ट होता है कि धीरे धीरे हम बोल ही नहीं सकते, धीरे धीरे हम लिख ही नहीं सकते। अगर अच्छी राइटिंग में हम दो चार पन्ना लिखना चाहे तो दसियों गलती हो जाएगी। जल्दी जल्दी बोलना हो, लगातार धारा प्रवाह जल्दी जल्दी लिखना हो तो आदत बचपन से है यही पैदाई की, धीरे धीरे काम अच्छा नहीं। जब छोटे से थे हम साइकिल चलाते थे, हमारे आगे कोई साइकिल जा रही हो ये हम बर्दाश्त नहीं करते, उसको पीछे करना। फिर उसके आगे एक साइकिल है, अब उसको पीछे करना है, सारे रास्ते यही किया करना, कोई न कोई साइकिल तो आगे रहेगी। लो हमारी साइकिल पर डबल सवारी बैठ जाए तो कहे त्रिपाठी जी हमको आंख बंद कर लेते हैं जब आप साइकिल चलाते हैं। ऐसे ही कार चलाते थे वो भी बंद कर लेते। छब्बीस साल हो गए छुए नहीं गाड़ी चलाए, तो लोग कहते हैं ना मेमोरी खराब हो जाती। क्या बताओ, याददाश्त कमजोर हो गई।